सो हे गाइस, वेलकम इन टू माय चैनल, माय सेल्फ अंकित। सो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी फ्री हैंड से फेस बनाने की, और कैसे आप बिगनर हो जैसे, तो आप फ्री हैंड से कैसे स्केच बना सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोटली मेजरमेंट से फेस बनाने की। और गाइस, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। सो गाइस, हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम बिना कोई मेज़रमेंट लिए अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से ही। लाइक आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, मैं एकदम लाइट प्रेशर डाल के राउंड एंड राउंड अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ, और ये देखिए बहुत ही एग्जैक्ट, मतलब आप एकदम एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हो ऐसे। ये बहुत ही ईजी है, तो आप आराम से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन पूरे सर्कल को फोर पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए सर्कल के अंदर, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ वन फोर्थ पार्ट में। हर पार्ट में जो टॉप वाला पार्ट है वो भी वन फोर्थ होगा, सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला सेम पार्ट में अपन डिवाइड कर देंगे ऐसे ही। सो गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, जो पूरा अपना सर्कल है उसका वन थर्ड पार्ट लेके अपन एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके ही नीचे। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैंने वन थर्ड पार्ट ले लिया है ऊपर वाले सर्कल का, और मैं एक नीचे सर्कल ड्रॉ करूँगा मेजरमेंट लेकर वैसे ही। सो आप वैसे ही सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत ही लाइटली राउंड एंड राउंड अपने हाथ को मूव करना है और सर्कल बना रहा है, जिससे बहुत ही आराम से आप सर्कल बना सकते हैं बिना कोई मेजरमेंट के। सो गाइस, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अपन को क्या करना है, अपन दोनों सर्कल को एक साथ लेके उनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो गाइस, जो अपना नेक्स्ट स्टेप है उसमें अपन जॉइन कर देंगे ऊपर वाले सर्कल को नीचे वाले सर्कल से, जो कि आपको मैं वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस, जो अपन ने यहाँ पर मेज़रमेंट लिए है उसके अलग अलग पॉइंट्स है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट कहाँ पर आता है। जैसा कि सबसे ऊपर टॉप है, उसके बाद हेयर्स आते हैं, एंड जो अपना बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर है, एंड उसके नीचे अपने आईज़ है, यहाँ पर आईज़ आएगी, एंड इसके बाद ये वाला पोर्शन अपना नोज़ है। सो इसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को जो नीचे वाला सर्कल है उसका अपन को हाफ़ ले लेना है, लाइक मेज़र करके अपन हाफ़ ले लेंगे। और ये जो अपन ने हाफ़ लिया है सेंटर है उसका, वहाँ पर आएगा अपने लिप्स। सो गाइस, अगला स्टेप है कि यहाँ पर जो अपना पहला वाला सर्कल है उसका वन थर्ड पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा आईज़, वहाँ पर अपन आईज़ बनाएंगे। तो जिसका हाफ पार्ट लेके अपन ऐसे मेज़रमेंट लेकर, आपको जैसा वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे अपन मेज़रमेंट लेके अपन आईज़ बनाएंगे। एंड गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपनी आईज़ होती है उसका जो बीच का गैप होता है वो भी एक आई के बराबर होता है। सो ये हमेशा आप ध्यान में रखें। सो उसके बाद जैसा कि मैंने लेफ्ट एंड राइट सर्कल को हाफ लिया है, एंड उसके बाद अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे डाउन साइड, एंड वो अपनी होगी नेक, वहाँ से अपनी नेक स्टार्ट होगी। सो गाइस, इसके बाद अपन अपनी आईज ड्रॉ करेंगे, और गाइस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप भी इजीली फेस को ड्रॉ कर पाओ। सो गाइस, इसके बाद अपन अपना नोज बनाएंगे, और नोज़ बनाने के लिए अपन जो स्टार्टिंग पॉइंट है आईज़ का राइट एंड लेफ्ट वाले का,
उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे साइड जहाँ पर अपन को नोज़ बनाना है वहाँ तक। एंड आप वीडियो में देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर नोज़ बनाना दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वहीं पे। बहुत ही सिंपल मेजरमेंट है। सो गाइस इसके बाद अपन अपने लिप्स ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर अपने आइज़ के आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ से अपन एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे बोथ ऑफ द साइड्स और वहाँ से लेकर नीचे तक जहाँ पर अपने लिप्स ड्रॉ हो गए वहाँ पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर अपने लिप्स बनेंगे उतने मेजरमेंट में। तो गाइस ये चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आप जब भी बनाएं ध्यान रखें। सो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि है ईयर्स। और जो अपने आईज होती है, आईज से लेकर लिप्स तक अपने ईयर्स होते हैं, इतनी बड़ी उनकी लेंथ होती है और अपन उसको मेज़र करते हुए अपन ईयर्स को ड्रॉ करेंगे। सो गाइस ईयर्स बनाने से पहले अपन फेस की शेप बना लेते हैं ताकि अपन ईयर्स आराम से बना सकें। और गाइस अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो और मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आप आराम से इजीली फेस को ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने टॉप के नीचे जो हेयर का पोर्शन है वहाँ पर अपने हेयर्स बनेंगे। तो वीडियो में मुझे फॉलो करते जाइए, जैसा जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वैसा वैसा आप फॉलो करिए और बनाइए। सो गाइस अब अपन ईयर्स बनाएंगे जो कि आईज से लेके लिप्स तक होते हैं। एंड गाइस फॉलो करिए मेरे सारे स्टेप्स, आई एम श्योर आप भी इजीली बना सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो गाइस वीडियो से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो गाइस अभी अपन जो लास्ट स्टेप है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना फोरहेड होता है और चीक्स होते हैं और जो चिन होती है वो थोड़ा आगे की साइड होते हैं। एंड वो जो अगर जो फेस का फ्रंट व्यू होता है, अगर फेस फ्रंट व्यू में और लाइट डायरेक्टली पड़ रही है तो हमेशा वो लाइट पोर्शन में हो गया। गाइस एक चीज़ मैं भूल गया था, नोज़ भी लाइट पोर्शन में होता है। अगर फ्रंट व्यू हो फेस का और लाइट डायरेक्टली सामने से फेस पर गिर रही हो। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में आपको पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। और गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस और बेल आइकन को दबाना मत भूलना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की। सो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, see you later।